अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासू ब्रदर रिज़वी और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें दोस्तों, मुसलमानों का पूरी दुनिया में बहुत ही पवित्र महीना रमज़ान चल रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। ख़ास तौर से रमज़ान में मुसलमान सुबह की अजान से लेकर मग़रिब की अजान तक रोज़ा रखते हैं, शाम में इफ्तार करते हैं और इफ्तार पार्टी का ज़्यादातर आयोजन किया जाता है और उसका मकसद ये होता है कि जो कि हमारे देश में तमाम लोग धर्म कोई सा हो लेकिन जब वो त्यौहार मनाते हैं तो पता नहीं चलता इसे कौन मना रहा है। वैसे ही इफ्तार पार्टी भी एक ऐसा माध्यम है जहाँ सभी लोग, तमाम मज़हब के लोग इकट्ठा होते हैं और इफ्तार पार्टी में शरीक होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। आपको बता दें किला के नाम से मशहूर और किला के वारिस डॉक्टर शारिक नैयर फैज़ी, जो कि लगातार सिवान नगर परिषद चेयरमैन के लिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से आज किला पे एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे थे। इसी बीच बिहार झारखंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन भी अभिषेक साहब पहुँचे हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। स्वागत से सबसे पहले आप। जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जहाँ एक तरफ देश में नफरत के बाजार गर्म है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी मोहब्बत का पैगाम, गंगा जमनी तहजीब की निशानियाँ देखने को मिल रही हैं, ऐसे मौक़ों से क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये रमज़ान का पाक महीना जो है जी, ये बहुत अच्छा संदेश देता है और पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधता है जी। और जब पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधता है तो हमारा भारतवर्ष क्यों नहीं एक सूत्र में बांधे। ये हमारा पैगाम है लोगों से कि हम सब एक इंसान हैं और धर्म और जाति वो बाद में आती है, पहले इंसानियत आती है। इंसानियत जिसमें अच्छी हो उसका हमें समाज में इज्जत करना चाहिए। और यही नहीं कि हम अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अभी हम काम करें, हम लड़ें, जीते हारे निस्वार्थ समाज में काम करते रहना चाहिए। अभी सर इफ्तार पार्टी में आपने अपनी शिरकत दर्ज कराई है जी, क्या कुछ संदेश देंगे देश को सिवान से इस वक्त? देखिए, मैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इंसानियत समझिए और जो भी ये थोड़े से उपद्रवी लोग हैं उन लोगों के अफवाहों से दूर रहें और समाज में जो अच्छा काम करें उसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि समाज एक ऐसा विषय है जो कि समाज के बिना आदमी पशु के समान होता है। तो जब हम समाज में हैं तो इंसानियत, हम लोग किला के मालिक के घर में हैं और जो किला है, नया किला, इसका 12 कोस इधर, 12 कोस दाहिने बाएं और लेफ्ट राइट, मतलब चारों दिशाओं में 12 कोस जिला है। हम लोग उनके संरक्षण में पल रहे हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम किला में वास किए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ फैजी साहब भी हैं, फैजी साहब से भी हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं की तरफ से ज़बरदस्त इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, हम बात करते हैं। सर बधाई, सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं, अच्छा आयोजन रहा। देखिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए, हर कम्युनिटी में होना चाहिए, जब भी कोई त्यौहार आए तो एक दूसरे को बुला के और एक दूसरे के साथ है ना मिल बैठ के खाना चाहिए। इससे क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है जी। तो इसी को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा। सर बिल्कुल, आप अक्सर समाज से आप जुड़े रहे हैं लेकिन फिर भी हम पूछना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि इफ्तार पार्टी के पीछे चुनाव का भी आपका कुछ मकसद है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर साल हम हर इस तरह का करते हैं। सभी लोग पहुंचे थे और ख़ास तौर से कौन कौन शख्सियात अभी पहुंची हुई थी आपके इफ्तार पार्टी में? देखिए, जितने लोग मेरे हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि हर कम्युनिटी से मेरा संबंध रहा है, बहुत अच्छा रहा है, तो सब लोग पहुंचे हुए थे वहाँ जी। अच्छा आयोजन, प्रशासन से भी लोग थे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा इफ्तार पार्टी का आयोजन फैजी साहब की तरफ से किया गया था। कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, जहाँ देश में नफरत के बाजार गर्म है, वहीं जब ऐसा आयोजन होता है जहाँ सब धर्म के लोग होते हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है फिर? सबसे पहले रमज़ान के इस पावन मौके पे सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और हमारे शारिक भाई जो हैं कि ये काफ़ी एकता और ऐसे रहने वाले व्यक्ति हैं और काफ़ी हम लोग से काफ़ी अटैचमेंट है हम लोगों से, और ये बहुत अच्छा है कि सभी धर्म के लोग जो है जाति धर्म से उठकर और एक अच्छा पैगाम देने का काम हम लोग ज़िले में सिवान के जो भी हम लोग कर रहे हैं लोग, लगातार करते रहेंगे लोग। और इस तरह का जो आयोजन है कि हम तो और भी सारे जो बहुत सारे जो लीडर हैं, हम उनसे कहेंगे कि इस तरह का आयोजन करना चाहिए,
और करके जो है देश को एक अलग पहचान एक ये है कि यहाँ पे देखिए कितने एकता और मिल्लत से लोग जो है कि हर पर्व को जो है कि अपना जो है कि कर रहे हैं। जब इस तरह का सर आयोजन होता है तब हमें सही मायनों में अपना हिंदुस्तान दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, जब सब लोग एक जगह जुटते हैं यही हमारी भारत की एकता और अखंडता की यही पहचान है। सभी वर्ग के हर वर्ग के हर कौम के लोग जो है कि साथ मिलकर किसी भी पर्व को जो है कि बहुत अच्छे से और तहजीब से उसको मनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और शारिक भाई जो है हमारे ये तो हर साल करते ही हैं इस तरह का आयोजन, इस बार चुनाव की भी तैयारी कर जी जी चुनाव की तैयारी है जी। और अब अच्छा इनका जो है कि कैंपेनिंग भी कर रहे हैं ये जिले में जी। और चारों तरफ से इनको काफ़ी जो है कि ये सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है और आगे जो है कि जनता जनार्दन ये मालिक है ये जो अपना रिजल्ट दे, मगर चलिए अपना वर्क होना चाहिए। धन्यवाद सर। हसन भाई बहुत वाकई बधाई कि आप लोग पात्र हैं, अच्छा आयोजन रहा आज का, बेहतर रहा है ना, तमाम लोग पहुंचे हुए थे जिले के, यहाँ नहीं हाँ सारे लोग, शहर के भी सारे लोग और अगल बगल के भी लोग, मज़ा आया सबको। हाँ जी चचा बताइए क्या कुछ कहेंगे, ऐसा आयोजन होता है तो कैसा संदेश देना चाहेंगे आप, क्या कुछ देश को संदेश रहेगा? मिल्लत बढ़ता है, अखलाक बस सब कौम से, सब कौम के लोग आए हैं, हर लोग आए हैं, हर लोग आए हैं, यही आने के बाद पता चलता है या ऐसा आयोजन जहाँ होता है कि यही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। और फिर से ये किला है, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुआ 200-300 बरस से और आज तक हम लोग भी हैं यहीं के बासिंदा हैं। बिल्कुल, जब ऐसी इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है तो सही मायनों में हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक दिखाई पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त पचरुखी प्रखंड के पूर्व प्रमुख हैं अली साहब, समाजसेवी भी हैं, ये भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ सिवान ज़िले के कोने कोने से लोग यहां इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं, डॉक्टर एहतशाम साहब भी हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आज आपने फैजी साहब की इफ्तार पार्टी में शिरकत की है, सर जानना ये चाहेंगे कि जहां एक तरफ देश में नफरत के बाजार गर्म है वहीं दूसरी तरफ जब ऐसा कार्यक्रम होता है तो कैसा देश के ऊपर संदेश जाता है? जी बड़ा अच्छा लगा आज, और जो अच्छा ये लगा कि जितने लोग थे मुझे लगता है कुछ कमोबेश 40% दूसरे तबके के लोग थे, दूसरे समाज के लोग थे, इससे इस वक्त जहाँ पूरे देश में आग की तरह लपट जल रही है और इससे मोहब्बत और भाईचारे का संदेश जाता है और बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा जी, अवतार पार्टी में काफ़ी लोग सर पहुंचे थे और ऐसा जब कार्यक्रम होता है सर तो वाकई देश हमारा हिंदुस्तान नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल वही दिख रहा था, मैं इफ्तार के पहले मैं खड़ा होकर यही मुआयना कर रहा था कि कितने दूसरे लोग आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। और ये फैजी साहब काबिले तारीफ़ हैं कि इतने लोगों को इन्होंने जोड़ा आज, और ये काम भी सवाब का काम है, रमज़ान का आखिरी असरा चलता है तो बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया। डॉक्टर एहतशाम साहब हैं हमारे बीच और डॉक्टर एहतशाम साहब भी लगातार लोगों की सेवा इन्होंने की है और साथ ही साथ समाज से हर तरीके से जुड़े हुए हैं। सर आप भी पहुंचे थे आज इफ्तार पार्टी में, क्या कुछ कहेंगे? फैजी बाबू को शुक्रिया कहेंगे जी। यकीनन जो काम काबिल सताइश है उसकी यकीनी तौर से समाज को तारीफ करनी चाहिए और इस मौके पर कहीं ना कहीं जो इस मुल्क की जो अशद ज़रूरत है आपसी मोहब्बत और भाईचारा, तो इस तरह का कोई भी जो इस तरह की तकरीब मुनक़द की जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि तमाम लोग अलग अलग कलर के लोग अलग अलग जगह से लोग आपस में मिलते हैं, तबादला ख्याल होता है और यकीनन जो हिंदुस्तान है वो इसी मिली जुली तहजीब का नाम है और इसी मिली जुली तहजीब को ज़िंदा करने के लिए जो कोई भी जितना भी काम करे सही माने में वही हिंदुस्तानी है, तो यकीनन फैजी बाबू का काम। सर चार दिनों के बाद ईद मनेगी, क्या कुछ संदेश रहेगा देश के लिए आपका? देश के लिए जो आजकल का माहौल है उस माहौल में चार लाइनें देश के लिए हैं कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। क्या बात है। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देश के लोगों के लिए यही पैगाम है, बहुत अच्छा। ये जो तेरा मेरा का जो आज इस मुल्क में कुछ नफरती चिंटुओं के ज़रिए किया जा रहा है, ये जो तमाम ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि जो उनके सरपरस्त हुकुमरा हैं जी, तो यकीनी तौर से गद्दारों की परवरिश करने वाला भी गद्दार ही माना जाता है कानून की नज़र में, तो ये नफरती चिंटुओं के ऊपर लगाम लगे। क्या बात। और
इस मुल्क को वापस, जो इस मुल्क का मिजाज है, इस मिजाज के अंदर लगातार जो ये कुछ नाकाम सरफिरे लोग जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त निगरानी की ज़रूरत है। चूँकि ऐसा लगता है कि सरकार ने तो आंखें मूंद ली हैं, वरना कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 1857 से लेकर 47 के बीच जो बहरानी कैफियत थी, तब भी ये हालत न थी जो आज इस मुल्क में हालत है। तो हम और आप जैसे और ये तमाम जो समाज के अकाबरीन जो यहाँ मौजूद हैं, हर तबके के अकाबरीन के ऊपर ये अब ये फ़र्ज़ आयद हो जाता है कि अब जबकि सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं, तो हम अपने घर की हिफाजत खुद करें और इसमें आग लगाने वालों को पहचानें और उनको समाज से अलग कर दें, तभी हमारी ईद भी खूबसूरत होगी, तभी हमारी होली भी खूबसूरत होगी और तभी हमारी दिवाली भी खूबसूरत होगी। बहुत बेहतरीन जवाब दिया हमारे डॉक्टर एहतेशाम साहब ने। लगातार इस तरह का आयोजन फैजी साहब की तरफ से किया जाता रहा है, लेकिन इस बार आपको बता दें सिवान नगर परिषद सभापति के लिए लगातार फैजी साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं और लगातार समाज से जुड़ने का काम कर रहे हैं। बने रहिए, खबरें जारी हैं। नमस्कार।